帮我尝尝，试着赢下。वेलकम डियर रॉकर्ट, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये सुंदर सी वेब सीरीज समझ में आएगी। तो पिछले एपिसोड के एंड में मिंग टैन जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स का टोटल बॉडी फिटनेस किया जाता है। बलूनो पूछता है तो जाओमी बताती है कि इस बॉडी फिटनेस टेस्ट में जो पास होगा वही इस टूर्नामेंट के लिए फिट समझा जाएगा, और अगर तुम फिट प्रूव नहीं हुए तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, इस टेस्ट में हर किसी की फिटनेस के मुताबिक उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रैंक दी जाएगी। और फिटनेस टेस्ट में सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगाए जाते हैं तो फेंग्यू देखती है कि उसमें मिंग टैन का नाम फर्स्ट पोजीशन पे है और उसका नाम सेकंड पे, सुनहाओ थर्ड है और मिया फोर्थ रैंक पर, फिफ्थ पर कोई और लड़का होता है और जाओमी सिक्स पर होती है। और अब मिंग टैन को फर्स्ट रैंक पर देखकर फेंग्यू बहुत ही खुश होती है कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ। रिजल्ट देखकर अकड़ू कहता है कि मिंग टैन ने ऐसा क्या कर दिखाया जो इसको फर्स्ट रैंक दे दी। तब फेंग्यू कहती है कि कभी किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मिंग टैन ने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया है और वो बहुत ही टैलेंटेड भी है, लेकिन अकड़ू अभी भी मिंग टैन को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहता है और कहता है कि उसमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो मेहनत मजदूरी करता है, इसलिए शायद वो फिटनेस टेस्ट में फर्स्ट आ गया, लेकिन वो फाइट के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। और तो फेंग्यू कहती है कि देखो अकड़ू, उसे जेंगजी कॉलेज की टॉप 3 फाइटर्स ट्रेन कर रही हैं। तुम्हें भले ही ज्यादा दिन ट्रेनिंग मिली हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ सीख लिया है। टूर्नामेंट तक वो तुमसे भी ज्यादा ट्रेन हो जाएगा, इसलिए तुम बस अपनी फिक्र करो। और ये कहकर फेंग्यू चली जाती है। अब सुनहाओ और अकड़ू मिंग टैन की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। मिंग टैन की प्रैक्टिस देखकर अकड़ू तो बहुत ही डर जाता है और सुनहाओ से पूछता है, क्या तुम अब भी उसे अपने से कम समझते हो? और फिर सुनहाओ चला जाता है और उसको देखकर अकड़ू भी जोरदार प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब फेंग्यू अपने घर पर कुकिंग कर रही होती है। उसे लगता है कि मिया अच्छा कुक करती है, शायद इसीलिए मिंग टैन उसे पसंद करता है। मैं भी कुकिंग सीखूंगी, ये सोचकर वो यूट्यूब पर कुकिंग की वीडियोस देखकर खाना बनाने लगती है। फिर फेंग्यू आकर देखता है कि टेबल पर कई सारी वैरायटी की डिशेस रखी हुई हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि दीदी, इतनी सारी डिशेस किसने बनाई? अरे किसने बनाई होंगी, ऐसा कहकर वो खुद की ओर इशारा करती है। फेंग्यू कहता है कि सुबह उठकर तुमने इतनी सारी डिशेस कैसे बनाई? वाह दीदी, मुझे तुम पर गर्व है और साथ ही डर भी लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है डिशेस में। अरे टेस्ट करके तो देखो। फिर फेंग्यू एक डिश को टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट उसकी आंखों में साफ नजर आता है, लेकिन फेंग्यू उसको छोड़ती नहीं और हर डिश से थोड़ा थोड़ा उसकी प्लेट में रख देती है। बात यही खत्म होती तो फेंग्यू शायद बच भी जाता, लेकिन अब फेंग्यू कहती है कि लंच भी मैं ही कुक करने वाली हूँ और तुम्हारे ऑफिस स्टाफ के लिए मैं ही कुक करूंगी, तुम बस उनको इन्फॉर्म कर देना। और ये सुनकर तो फेंग्यू के सर पर पहाड़ी टूट पड़ता है। अब अगले सीन में मिया मिंग टैन को लगातार की करती है और चेक करती है कि वो कितना सह सकता है। बीच में ये भी कहती है कि थोड़ी देर और खड़े रहो यार, यू कैन डू इट, और ये कहकर उसे किक पे किक करती जाती है। तब मिंग टैन को चोट भी लगती है। इस पर मिया कहती है कि सॉरी यार, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मिंग टैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपनी किक्स को जारी रखिए, लेकिन मिया का दिल नहीं मानता। तब जाओमी कहती है कि जब वो कह रहा है तो किक करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? कभी हार ना मानने का एटीट्यूड उसमें आ गया है और यही उसकी जीत भी है, इसीलिए अब तुम्हें और भी तगड़ी किक मारनी होगी। अरे तुम किक करती हो या मैं करूँ? मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं बहुत ही बेरहमी से किक करूंगी। और ये सुनकर मिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं खुद ही किक करूंगी। और ये कहकर वो फिर से मिंग टैन को ट्रेन करने लगती है। यहाँ फेंग्यू ने अपनी कंपनी के स्टाफ के लिए खाना बनाकर भेज दिया होता है। अब वो फेंग्यू को कॉल करके पूछती है कि उन लोगों को मेरा खाना कैसे लगा। और तब दिखाते हैं कि कुछ स्टाफ मेंबर्स को स्ट्रेचर में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, कई लोग तो अपना पेट पकड़कर बाथरूम जाने के लड़ रहे होते हैं। फेंग्यू बड़ी टेंशन में कहता है कि तुमने खाना भेजा था या जहर? मुझे डर है कि ये पुलिस केस ना हो जाए। और ये सुनकर फेंग्यू चुपचाप कॉल काट देती है। अब यहाँ कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से मिंग टैन बहुत ही कमजोर फील कर रहा होता है। मिया डोर लॉक करके कहती है कि आज तुम काम पर मत जाओ, लेकिन मिंग टैन मना करते हुए कहता है कि 2 महीने पहले मैंने आइसक्रीम शॉप में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसीलिए मैं अचानक छुट्टी नहीं ले सकता। अरे तो ठीक है, तुम्हारे बदले मैं चले जाऊंगी, तुम तो उठ भी नहीं पा रहे हो। अरे इतना मत सोचो यार, तुम चाहो तो एक दिन की सैलरी मुझको दे देना, ओके? अब जाओमी भी मिया का सपोर्ट करती है और हीरो को हाँ करना ही पड़ता है। और अब मिया आइसक्रीम शॉप में जाकर रैबिट का कॉस्ट्यूम पहन लेती है और बाहर नोटिस बांटने लगती है। और अब यहाँ दिखाते हैं तो फेंग्यू भी आइसक्रीम शॉप में आकर रैबिट से बातें करने लगती है और उससे पूछती है, क्या सभी लड़के अच्छा कुक करने वाली लड़कियों को ही पसंद करते हैं? और मास्क के अंदर मिया चौंक जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है और यहाँ पर क्यों आई, और ऊपर से मुझसे ये सब क्यों कह रही है? फिर भी वो हाँ करके सर हिलाती है। फेंग्यू कहती है कि तो क्या मुझको कुकिंग सीखनी चाहिए?
और इस पर मियां अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि तुम कभी कुकिंग नहीं सीख पाओगी। फाइटिंग की तरह कुकिंग भी बचपन से सीखनी होती है, इस उम्र में तुम नहीं सीख पाओगी। और फेंगी शॉक होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियां कहती है कि क्या तुम मुझको मिंगटेन समझती थी? अच्छा हुआ आज उसके बदले मैं यहाँ काम पर आ गई। और अब फेंगी को शॉक पर शॉक लगता है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो भी यहाँ पर आता था? लो कर लो बात, जैसे कि तुमको जानती नहीं, पिछले 2 महीने से वही तो यहाँ पर रैबिट बनकर नोटिस मार रहा था। और अब फेंगी का सर चकराने लगता है और वो वहां से चली जाती है। रास्ते में उसको ख्याल आता है कि उस दिन मिंगटेन ने ही उसके लिए आखिरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रिजर्व की थी। फिर एक दिन उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में भी मिंगटेन को ही बताया था। और अब तो वो रियलाइज करती है कि मिंगटेन उसके दिल की सारी बातें जान गया है, इसीलिए वो फेंगी से मदद लेने के लिए तैयार हो गया है। अब ये सब सोचकर फेंगी को लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरह पकड़ी गई है और वो मिंगटेन को कैसे फेस करेगी। अब रात के 1 बज रहे होते हैं और फेंगी ज़ाओमी के घर जाती है। वो बेचारी आधी नींद में आकर दरवाजा खोलती है तो फेंगी उससे पूछती है, अब मैं क्या करूं यार, अनजाने में मैंने खुद ही उससे अपने सारी दिल की बातें बता दी है। मैंने वैसे तो उसका नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पर ज़ाओमी सोने की कोशिश करती है लेकिन फेंगी उसको जगा जगा कर सवाल करती जाती है। अब तंग आकर वो उठ जाती है और कहती है, देखो मेरी नींद खराब मत करो यार, मैं ऑलरेडी तुम्हें सोल्यूशन दे चुकी हूँ लेकिन तुम बार बार मुझे परेशान करती जा रही हो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें आज ही पता चला है लेकिन मिंगटेन तो तभी जान गया था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं। वैसे भी उस दिन से आज तक तुमसे इस बारे में उसने कुछ भी नहीं पूछा, वो तो ये सोच रहा होगा कि तुमने अनजाने में उससे सब कुछ कह दिया। तुम तो जानती भी नहीं थी कि रैबिट के अंदर मिंगटेन है, इसीलिए आगे भी तुम न जानने की एक्टिंग करती रहो और अपना और मेरा दिमाग मत खाओ। अब फेंगी कहती है कि मैं एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ, वो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएगा। तो ये कहती है कि अरे एक रास्ता है, तुम उसे ट्रेनिंग देते वक्त खूब जोर से पंच करना और तब तुम्हारा चेहरा एकदम कड़क हो जाएगा, उसे भी लगेगा कि तुम नॉर्मल हो। वो सोचेगा कि तुम नहीं जानती कि वो जान गया है कि तुम उससे प्यार करती हो। दोबारा मत पूछो यार, इतना घुमा फिरा कर नहीं समझा सकती, लेकिन तुम समझ गई ना, बस अब ठीक है और चुपचाप अब अपने घर जाओ और मुझको सोने दो यार प्लीज। ये कहकर ज़ाओमी सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान फेंगी को ज़ाओमी की बात याद आती है और वो मिंगटेन को लेफ्ट राइट सेंटर बिना गैप के पीट रही होती है। मिंगटेन से तो खड़ा भी नहीं रह जाता। मियां पूछती है कि ये इतना क्यों पीट रही है उसको, उसको रोको। पर ज़ाओमी उसको रोक कर कहती है कि तभी तो मिंगटेन जानेगा कि टॉप फाइटर्स कैसे फाइट करते हैं, तुम चुप रहो और उसको ट्रेन करने दो। लगातार पंचेस झेलने के बाद मिंगटेन गिर जाता है लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे और पंच करो, मैं और सीखना चाहता हूँ। अब अगले शॉट में मिंगटेन हारा होता है, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा होता है लेकिन उसके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि ये दर्द मुझे और भी स्ट्रांग बना रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगा और उस अकड़ू फकड़ू को जीत कर रहूंगा। अब यहाँ ज़ाओमी फेंगी से कहती है कि तुम मिंगटेन से इतना प्यार करती हो तो उसे डायरेक्टली बोल क्यों नहीं देती? पर फेंगी कहती है कि धीरे बोल यार, धीरे बोल, कोई सुन लेगा, मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाती। क्यों, क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे प्यार को ठुकरा देगा? फाइटिंग में तो तुम बहुत हिम्मत दिखाती हो लेकिन इस मामले में तुम बहुत ही डरपोक हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम प्यार करती हो तो पहला कदम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा और इस तरह डरी सहमी रही तो सब कुछ अपने आप थोड़ी ना हो पाएगा। तुम्हें बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? बस इतना सिंपल सा सवाल तो पूछना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो इनकार भी कर दे तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये कहकर ज़ाओमी चली जाती है। वहाँ बयूनो मिंगटेन का इंतजार कर रहा होता है और मिंगटेन के आते ही वो कहता है कि यार तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ बयूनो, बोलो क्या बात है? यार बचपन से मेरा लक्ष्य था कि रैबिट के भेस में मैं लोगों के बीच जाकर खड़ा हो जाऊँ, अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम आइसक्रीम शॉप में रैबिट बनकर नोटिस मारते हो, क्या आज एक दिन के लिए तुम मुझको काम दे दोगे, तभी मेरा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। मिंगटेन सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसा भी कोई लक्ष्य होता है क्या, पता नहीं कैसा लक्ष्य लेकर बैठा है जिंदगी में, लेकिन फिर वो मान जाता है। दरअसल मियां ने ही बयूनो को बताया है कि फेंगी रैबिट से मिलने आइसक्रीम शॉप में जाने वाली है, इसीलिए अब बयूनो रैबिट बनना चाहता है। और अब वो शॉप के बाहर खड़ा होकर नोटिस मारता है और सपना देखता है कि फेंगी वहां आकर उसको गले लगा रही है लेकिन कॉस्ट्यूम के अंदर तो उसको हवा भी नहीं आ रही होती है। और वो मन ही मन सोचता है कि यार ये मिंगटेन इस कॉस्ट्यूम के अंदर इतनी देर तक कैसे रहता होगा। अब बहुत देर फेंगी का इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती लेकिन उसकी जगह आती है मियां। अरे ये यहाँ पर क्यों आ गई, इसकी बकबक सुनकर तो मेरे कान भी रोने लगेंगे। और ये सोचकर बयूनो वहीं खड़ा रहता है। अब मियां उसको मिंगटेन समझ लेती है और कहती है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझको पसंद करते हो? अब उसकी बातें सुनकर बयूनो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है और आखिर में वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन मियां उसको पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम भी मुझको पसंद करते हो। और जब बयूनो अपना मास्क उतारता है तो कहता है अरे मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हैं।
और उसको देखकर मियां गुस्से में चिल्लाती है और बयूनो तेजी से भागता है। अब मियां उसको चेस करने लगती है। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि बयूनो के मुंह पर घाव लगा हुआ है। लगता है मियां ने उसको खूब पीटा होगा और वो घाव पर दवा लगा रहा है। अब फेंग्यू दोबारा यूट्यूब पर देख रही होती है कि कुक कैसे करना है और इस बार उसकी डिश जल जाती है। तभी उसको एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वो स्मेल को फॉलो करके डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है तो फेंग्यू कोई मजेदार खाना खा रहा होता है। वो बताता है कि रास्ते में बयूनो के होटल से मैंने ये सुपर नूडल्स खरीदे हैं। सच में बयूनो की मॉम बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाती है। फेंग्यू नूडल्स टेस्ट करने जाती है लेकिन वो कहता है कि तुम्हें चाहिए तो तुम खुद जाकर ले आओ। फेंग्यू कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे तो कोई डिश ठीक से नहीं बनी। तब फेंग्यू उसको बताता है कि कुकिंग भी फाइटिंग की तरह ही है, एक ही टाइम में तुम सारे डिशेस की एक्सपर्ट नहीं बन सकती। बयूनो की मॉम को ही ले लो, बाकी डिशेस वो अच्छा पकाती हैं या नहीं ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन नूडल्स बनाने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम सारे डिशेस ट्राई करने के बजाय सिर्फ एक डिशेस को ट्राई करो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, और जब एक में एक्सपर्ट बन जाओगी तो दूसरी डिश भी ट्राई कर लेना। तुम बॉक्सिंग और करांटे को ही ले लो, करांटे और बॉक्सिंग एक साथ नहीं सीखे जाते। हाँ, लेकिन एक में एक्सपर्ट बनने के बाद दूसरा ट्राई कर सकती हो। अब उसकी बात सुनकर फेंग्यू बड़ी सोच में पड़ जाती है। और दोस्तों मुझे पता है कि आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब फेंग्यू बयूनो को मैसेज करती है। अगले सीन में फेंग्यू बयूनो के होटल में जाती है। दरअसल बयूनो भी अपनी माँ की तरह बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाता है, इसीलिए फेंग्यू ने उसको मैसेज किया होता है कि प्लीज मुझे नूडल्स बनाना सिखाओ। फेंग्यू को देखते ही बयूनो तो आसमान में पहुंच जाता है और उसकी फीलिंग्स का तो क्या ही बताऊं। वो कहता है कि वाह, मेरी एंजल मुझसे मिलने आ गई। फिर वो फेंग्यू को अंदर लेके जाता है और उसे टेस्टी नूडल्स डिश बनाना सिखाता है। तो फेंग्यू को मिंगटेन के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं और फिर बहुत मेहनत करके वो नूडल्स डिश बनाना सीख लेती है। बयूनो कहता है कि अगर आप इस डिश को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत ही अच्छी कुक बन जाएंगी। अब फेंग्यू बहुत ही खुश होती है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान मिंगटेन काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी प्रोग्रेस को देखकर फेंग्यू को बहुत ही खुशी होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद मिंगटेन फेंग्यू को लंच के लिए कैंटीन बुलाता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे जरा काम है। फिर वो बाय कहती है तो मिंगटेन देखता है कि उसके हाथ पर कुछ घाव है। कल रात नूडल्स कुक करते वक्त उसका हाथ जरा जल गया था। अब फेंग्यू जल्दी से हाथ नीचे करके वहां से चली जाती है। वहां जाओमी और मियां क्लास में सो रही होती हैं। बयूनो उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब मिस्टर वैंग आकर उसको डरा देते हैं और क्लास में उन दोनों को सोती हुई देखकर मिस्टर वैंग बहुत ही गुस्सा करते हैं। तब बयूनो कहता है कि सर उन्हें मत डांटिए, वो दोनों मिंगटेन और मुझको दिन रात ट्रेन कर रही है, इसलिए बेचारी थक गई होंगे, तभी तो क्लास में सो रही है। और सर एक सवाल पूछना था, ये तीनों सीनियर्स डायरेक्ट फाइनल्स में जा रही है ना, तो क्या ये उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करती? अरे उनका सारा वक्त तो हम दोनों को ट्रेन करने में निकल जाता है, मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। अरे बेटा, तो फिर उनकी चिंता कर क्यों रहो जब उन्होंने मना कर दिया, तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और ये कहकर मिस्टर वैंग चले जाते हैं। रात को मिस्टर वैंग बयूनो को कॉल करते हैं और उसे घर के बाहर आने को कहते हैं। बयूनो हैरान होकर बाहर जाता है। तब मिस्टर वैंग अपनी साइकिल में आए होते हैं और कहते हैं कि सीनियर्स इतने दिन से तुम्हें ट्रेन कर रही हैं, मैं तुम्हारी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूं। ये कहकर मिस्टर वैंग उसे साइकिल चलाने को कहते हैं। वो भी चलाने लगता है और वे बहुत दूर चले जाते हैं। अब उससे और चलाई नहीं जाती और पूछता है कि सर कितनी दूर जाना है और आपको जाना कहाँ है? तुमने पूछा था ना कि ट्रेन करते हुए कहीं तुम्हारे सीनियर्स अपनी प्रैक्टिस तो मिस नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब दिखाने ही मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ। ये कहकर वो बयूनो को जाओमी के घर लेके जाते हैं और वहाँ पर आधी रात को जाओमी प्रैक्टिस कर रही होती है और ये देखकर तो बयूनो दंग रह जाता है। मिस्टर वैंग बताते हैं कि क्या अब भी तुम्हें उनकी खुद की परफॉर्मेंस के बारे में फिक्र हो रही है? ये तीनों दिन रात इस तरह प्रैक्टिस करती हैं, इसीलिए तो ये हमारी कॉलेज की टॉप फाइटर्स हैं, इसलिए उनके बारे में तुम चिंता मत करो। अब तीनों सीनियर्स के लिए बयूनो के दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब अगले शॉट में फेंग्यू जाओमी को अपने हाथ का बनाया हुआ नूडल्स डिश लेकर आती है। जाओमी कहती है कि मेरा पेट जरा सेंसिटिव है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस पर फेंग्यू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आई हूँ और कुछ हो गया तो उसको खा लेना। ओ ठीक है बाबा, दोस्त होने के नाते ये रिस्क भी ले लेती हूँ। और ये कहकर जाओमी नूडल्स को टेस्ट करने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, क्या ये सच में तुमने बनाया? हाँ, ये मैंने ही बनाया है और अपने नूडल्स के जरिए ही मैं मिंगटेन को अपने दिल की बात बताने वाले हूँ। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो कह देगा कि नूडल्स अच्छे नहीं है। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम मिंगटेन के लिए नूडल्स कब बनाने वाली हो? फेंग्यू कहती है कि कुछ दिन बाद बनाकर दूंगी। अरे मुझे तो लगा था कि आज ही तुम उसको अपनी डिश खिलाओगी। अब फेंग्यू सोच में पड़ जाती है, लेकिन जाओमी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा आइडिया सोचती हूँ। दूसरी ओर बयूनो किसी सोच में डूबा होता है और मिंगटेन आकर पूछता है, तुम इस तरह क्यों बैठे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार, वो ठीक तो है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे कहूँ। मिंगटेन कहता है कि बात में सोचकर बता भी सकते हो, और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन बयूनो उसको रोक कर कहता है कि क्या तुम मेरा एक सीक्रेट जानना चाहते हो? मैं जानना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे हो तो बता ही दो। चलो बता दो क्या सीक्रेट है।
अब बयुनो कहता है कि मैं और फेंग्यू बहुत ही क्लोज हो चुके हैं और बिल्कुल लवर्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। आजकल तो फेंग्यू हर रात मेरे होटल में आती है और मुझसे नूडल्स बनाना सीख रही है। कुकिंग करते करते हम बहुत सारी बातें करते हैं। वो मेरे साथ कई बातें शेयर भी करती है और नूडल्स बनाते वक्त तो इतनी खूबसूरत दिखती है कि क्या कहूं, तुम पूछो ही मत। हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इस तरह बयुनो अपनी कहानी सुनाकर मिंग टैन को परेशान कर रहा होता है और मिंग टैन सच में ही परेशान हो जाता है। तो फेंग्यू आकर सिर्फ बयुनो को बुलाती है, आज हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? ये कहकर बयुनो फेंग्यू के साथ चला जाता है और अब मिंग टैन एकदम मायूस हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब मिंग टैन का क्या हुआ? क्या उसने ठीक से ट्रेनिंग खत्म की? क्या उसने मैच में अच्छा परफॉर्म किया? ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको इतनी पसंद क्यों है। साथ ही साथ अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड पीस। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।